अब आपको बताएंगे कि सियासी मैदान में क्या हो रहा है। तरीन ग्रुप की हुकूमती शख्सियात से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। तरीन ग्रुप ने एक बार फिर उस्मान बुज़दार को तब्दील करने का मुतालबा कर दिया है। तरीन ग्रुप ने वाजे किया है कि पार्टी छोड़ना नहीं चाहते, उस्मान बुज़दार को माइनस करना होगा। इसी पर मज़ीद बात करेंगे लियाकत अली से। जी लियाकत, हुकूमती टीम डॉक्टर मुराद रास वज़ीर तालीम पंजाब की क़यादत ने तरीन ग्रुप से मुलाकात की है। इस मुलाकात के हवाले से अंदरूनी जो कहानी सामने आई है उसमें तरीन ग्रुप ने एक बार फिर डिमांड की है कि माइनस उस्मान बुज़दार के हम मुतालबे पर कायम हैं और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को तब्दील करना होगा। हम कतई तौर पर पार्टी नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन उस्मान बुज़दार के साथ हमारे जो है वो जेन्युइन इश्यूज हैं और तो उन्होंने इस मौका पर मुज़ाकराती टीम को वज़ीर आला के खिलाफ और अपने हल्कों के जो मसाइल और ब्यूरोक्रेसी और इंतकामी कार्रवाइयों के हवाले से एक तवील फहरिस्त भी जो है वो पेश की है। मालूम हुआ है कि मुज़ाकराती टीम ने तरीन ग्रुप को पेशकश की है कि अगर वो वज़ीर आज़म या वज़ीर आला से मुलाकात करके अपने मसाइल बराह रास्त पेश करना चाहें तो इसका भी एहतमाम किया जा सकता है। तहम तरीन ग्रुप ने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात में कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की और आज शाम दोबारा जो है वो तरीन ग्रुप से हुकूमती टीम का रब्ता होने का इम्कान है, जिसके नतीजे में एक और मुलाकात तय की जाएगी। ठीक है लियाकत, शुक्रिया आपका।